इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक आदमी डिटेक्टिव है और वह दूसरे की बीबी के साथ उसके देखरेख करते दौरान उसे प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम जोन को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है और उसे ऊंचाई से डर लगता है। आज जोन अपनी दोस्त मेज के घर बैठा हुआ है। वह उसको बताता है कि कल मुझे मेरे पुराने दोस्त केविन की कॉल आई थी, वह कहीं बाहर गया था लेकिन वह अब घर आ गया है। मेज उससे पूछती है कि तुमने डिटेक्टिव की जॉब क्यों छोड़ दी। तब जोन अपनी ऊंचाई वाली बीमारी उसको बताता है। मेज बताती है कि अगर तुम्हें कोई और इमोशनल शॉक मिलेगा तो तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। जोन कोशिश करता है कि वह स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई को समझ सके। अगले दिन वह अपने दोस्त केविन से मिलने उसकी कंपनी में जाता है। उसका बिल्डिंग का बिजनेस था। जोन उससे पूछता है कि तुम इस बिजनेस को कैसे अचीवमेंट किया, तो केविन उससे कहता है कि ईस्ट में उसकी वाइफ का ये फैमिली बिजनेस है जिसे अब वह देख रहा है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारी बीमारी के बारे में मैंने न्यूज में देखा था क्या, ये बीमारी हमेशा के लिए है। जोन कहता है कि नहीं, मुझे टेरर पर जाते हुए और बिल्डिंग के ऊंचाई पर से नीचे देखते हुए डर लगता है। फिर केविन कहता है कि तुम मेरे लिए दोबारा डिटेक्टिव का काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ का पीछा करो, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं यह काम तुम्हें दे रहा हूँ। जोन कहता है कि तुम्हें अपनी बीबी से प्रॉब्लम क्यों है। केविन कहता है कि मुझे लगता है कि कोई मेरी वाइफ का फायदा उठा रहा है। जोन कहता है कि वह कौन है, तो केविन कहता है कि वह मर चुका है। मुझे लगता है कि वह मरा हुआ आदमी मेरी वाइफ को नुकसान दे सकता है। मेरी बीबी मुझसे बातें करते करते खामोश हो जाती है और बुलाने पर वह नहीं सुनती है। ऐसा लगता है कि वह कहीं और पहुंच गई है। फिर होश आने पर वह सब कुछ भूल जाती है। जोन कहता है कि उसे किसी सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। जोन तो पहले इस काम के लिए इनकार कर देता है। केविन कहता है कि कल मैं अपनी वाइफ को एक होटल में लेकर जाऊंगा, पर तुम सिर्फ एक बार उसे देख लो। अगले दिन जोन उस होटल में जाता है जहां वह केविन को अपनी वाइफ मैडलीन के साथ देखता है जो बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन मैडलीन अपनी अपार्टमेंट से निकलती है तो जोन भी उसे अपनी कार से फॉलो करने लगता है। मैडलीन सबसे पहले एक फ्लावर शॉप में जाती है जहां एक फ्लावर लेती है और वह एक चर्च में जाती है। जोन भी उसके पीछे चर्च में जाता है लेकिन मैडलीन पीछे के दरवाजे से निकलकर एक कब्र के सामने रुक जाती है। जोन भी कुछ दूर से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद मैडलीन वहां से चली जाती है तो जोन उस कब्र पर जाकर देखता है। वो किसी कार्लोटा नाम की लेडी की कब्र थी जो केवल 26 साल की उम्र में चल बसी थी। जोन ये सब नोट करके उसके पीछे चला जाता है। अब मैडलीन एक आर्ट गैलरी में जाकर एक पेंटिंग के सामने बैठ जाती है। जोन देखता है कि उस तस्वीर में वही फूल होते हैं जैसे मैडलीन ने खरीदा हुआ था और पेंटिंग के औरत की हेयर स्टाइल की तरह मैडलीन का भी हेयर स्टाइल था। जोन वहां एक वर्कर से उस तस्वीर के बारे में पूछता है। वर्कर कहता है कि ये कार्लोटा की तस्वीर है। फिर वह जोन को कुछ और जानकारी देता है। वहां से निकलकर मैडलीन एक होटल में जाती है और कुछ देर बाद जोन उस होटल में मैडलीन को एक विंडो से देखता है। जोन भी होटल में चला जाता है और वहां स्टॉप से मैडलीन के बारे में पूछताछ करता है। वह बताती है कि मैडलीन जिस रूम में है वह कार्लोटा का रूम है। वह पिछले 2 हफ्ते से रूम रेंट पर लेकर रह रही है। जोन पूछता है कि क्या मैडलीन रात भर यही रहती है, तो वह औरत बताती है कि नहीं, वह केवल हफ्ते में 2 या 3 घंटे के लिए आती है। जोन उस औरत को मैडलीन से कुछ न बताने के लिए कहता है लेकिन वह औरत कहती है कि मैडलीन तो आज नहीं आई है। अब जोन चौंक जाता है और कहता है कि मैंने मैडलीन को 5 मिनट पहले आते देखा है और उसे अभी कमरे में देखा है। वह औरत उस कन्या के रूम की चाबियां उसे दिखाकर कहती है कि वह नहीं आई है। अब जोन की तसल्ली के लिए वह चाबियां लेकर ऊपर जाती है और जोन को बुला लेती है। जोन देखता है कि वाकई में रूम खाली है और मैडलीन यहाँ पर नहीं है। अब जोन विंडो से पार्किंग में देखता है तो मैडलीन की कार भी वहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद जोन मैडलीन के अपार्टमेंट में आकर देखता है तो मैडलीन की कार वहाँ पर होती है। जोन अब मेज के पास जाता है। जोन पूछता है कि क्या तुम ऐसे लोगों के बारे में जानती हो जो सैन फ्रांसिस्को के पुराने लोगों के बारे में जानता हो। वह बताती है कि पोपलेम नामक आदमी है जो यहाँ के पुराने लोगों के बारे में जानता है। उसकी एक बुक शॉप है जहाँ वह मिल जाएगा। फिर जोन पोपलेन के पास जाता है। पोपलेन बताता है कि वह कार्लोटा के बारे में जानता है जो यहाँ पर आकर डांस करके अपना गुजारा कर रही थी। फिर एक अमीर आदमी उसे लेकर चला गया। कार्लोटा को वह आदमी एक घाट देता है। कार्लोटा उसके साथ बहुत खुश थी। फिर उसको एक बच्चा हुआ और उस आदमी ने उससे बच्चा लेकर उसे बाहर निकाल दिया। उस आदमी की बीबी को कोई बच्चा नहीं था। उसने वह बच्चा अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद बच्चे के लिए कार्लोटा पागल हो गई और रोड पर लोगों से पूछती कि उसका बच्चा कहाँ पर है। और इसी तरह एक दिन वह इस दुनिया से अलविदा हो गई। अगले दिन जोन एस्टर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। एस्टर यहाँ जोन की तारीफ करता है। जोन कहता है कि तुमने मुझे कार्लोटा के बारे में क्यों नहीं बताया। एस्टर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी बीबी का ताल्लुक कार्लोटा से था। जोन कहता है कि मैडलीन अपनी हेयर स्टाइल कार्लोटा की तरह
बनाने लगी है। जोन पूछता है कि कार्लोटा मैडलिन की क्या लगती है, तो एस्टर बताता है कि कार्लोटा मैडलिन की ग्रेट ग्रैंड मदर है। मैडलिन की नानी ही वह बच्ची थी जिसे कार्लोटा से छीन लिया गया था, और जिस होटल में तुम गए थे वो कार्लोटा का घर हुआ करता था। जोन यहां एस्टर की बीबी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है, और एस्टर को डर है कि कार्लोटा की आत्मा मैडलिन के अंदर आ गई है। अगले दिन भी जोन मैडलिन का पीछा करता हुआ उन्हीं जगहों पर गया जहां वह पहले भी गया हुआ था। फिर जोन देखता है कि मैडलिन फूलों को पानी में फेंक रही होती है, और तभी पानी में कूद जाती है। अब जोन भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। रात में जोन मैडलिन के जागने का इंतजार कर रहा था। उसने मैडलिन के ड्रेस को सूखने के लिए रखा हुआ था। मैडलिन को होश आता है और वह जोन के पास आती है। जोन कहता है कि तुम समुद्र में क्यों कूद गई थी। मैडलिन को कुछ याद नहीं होता है। अब ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। जोन बहाना बनाता है कि वह मैडलिन को नहीं जानता है। जोन कहता है कि मुझे तुम्हारा घर पता नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। मैडलिन अब बताती है कि उसे चक्कर आ गया था और वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। यहाँ ये एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी जोन का फोन आ जाता है और वह दूसरे कमरे में चला जाता है। जोन एस्टर को बताता है कि मैडलिन अब ठीक है। दरअसल जोन ने एस्टर को पहले ही मैडलिन की हालत के बारे में बता दिया था। एस्टर बताता है कि कार्लोटा 26 साल में दुनिया से अलविदा हो गई थी। अब मैडलिन की उम्र भी उतनी हो गई है, जरा मैडलिन पर ध्यान दो। अब जोन मैडलिन की तरफ आता है तो उसे पता चलता है कि मैडलिन अपना ड्रेस पहनकर कार में आ गई है। मैडलिन के जाते वक्त मेज उसे देख लेती है। अगले दिन जोन मैडलिन के अपार्टमेंट से उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन आज मैडलिन अपनी कार को रोड पर बहुत देर तक घुमा रही होती है, और फिर वह जोन के घर के आगे आकर रुक जाती है। मैडलिन जोन के दरवाजे से एक लेटर डालती है। अब जोन उसके पास आ जाता है। मैडलिन बोलती है कि वह जोन को थैंक्स कहने के लिए आई है। जोन पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। मैडलिन बोलती है कि वह घूमने जा रही है। अब जोन उसके साथ जाना चाहता था, इसलिए मैडलिन के साथ वह कार से निकल जाता है। जोन मैडलिन को लेकर जंगल की तरफ जाता है। अचानक मैडलिन डरने लगती है। इसके बाद जोन मैडलिन को समुन्द्र किनारे लेकर जाता है। मैडलिन बताती है कि उसे सपने दिखाई देते हैं, जहां उसे एक टावर, एक बेल और एक गार्डन दिखाई देता है। जोन कहता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये सब शुरू कहां से हुआ था, तो मैं इसका इलाज निकाल सकता हूं। अगले सीन में जोन अपने घर पर बैठा हुआ था, और तभी मैडलिन वहां आ जाती है। वह बहुत डरी हुई होती है। वह बताती है कि उसने दोबारा वही सपना देखा है। वो एक स्पेन का गांव है, वही एक चर्च है, और चर्च में एक टावर है, और यही एक गार्डन भी है, और वही एक पुराना छोटा सा घर भी है। अब जोन इस बात को समझ जाता है, और वह उस जगह के बारे में मैडलिन को बताने लगता है। वह कहता है कि ये घर यहाँ से 200 मील की दूरी पर है, पर वह आज म्यूजियम बन गया है। जोन कहता है कि तुम्हें इस सपने में डराने वाली बात क्या है। मैडलिन बताती है कि वह सपने में वहाँ जाती है तो उसके सामने अंधेरा फैलने लगता है। जोन कहता है कि क्या तुम वहाँ पर जा चुकी हो, तो मैडलिन बताती है कि मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। अगले दिन दोनों उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जोन उससे पूछता है कि याद करो कि तुम यहाँ पर आई थी, तो मैडलिन बताती है कि बचपन में हम यहाँ पर खेला करते थे और सिस्टर टेरेसा हमें डांट दिया करती थी। जोन और मैडलिन को एक दूसरे से प्यार होने लगा था, लेकिन मैडलिन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर वह चर्च की तरफ जाने लगती है। जान उसे रोकता है, लेकिन मैडलिन कहती है कि अब मुझे जाना होगा। अब मैडलिन चर्च में जाने लगती है। जोन चर्च का टावर देख लेता है, वह भी मैडलिन के पीछे भागता है। मैडलिन अब ऊपर जाने लगती है और जोन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर जोन को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए उसे चक्कर आने लगता है। फिर जोन वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद एस्टर जान के पास आकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जोन को परेशानी उठानी पड़ जाती है। एस्टर कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ और अब दोबारा वापस नहीं आऊंगा। इस बात का जोन पर गहरा असर हो जाता है, और वह कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में रहता है, जहां उससे मिलने मेज आया करती थी। डॉक्टर मेज को बताता है कि जोन को ठीक होने में 1 साल का वक्त लगेगा। 1 साल बाद जोन वापस घर आ जाता है, और वह उन्हीं जगहों पर घूमने जाता है जहां पर मैडलिन जाया करती थी। अचानक एक दिन वह मैडलिन जैसी एक कन्या को देखता है, लेकिन उसके बालों का कलर ब्राउन था और उसकी ड्रेसिंग भी अलग होती है। जोन उसका पीछा करते हुए एम्पायर रूम तक आ जाता है। फिर वह दरवाजा खटखटाता है। वह कन्या बाहर निकलती है तो जोन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह कन्या गुस्सा जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जोन कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ याद आ जाता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। जोन उससे उसका परिचय पूछता है। वह कन्या अपना नाम लाइना बताती है और कहती है कि मैं 3 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। इसके बाद वह जोन को अपना एड्रेस भी दिखाती है। फिर जोन उससे रात का डिनर करने के लिए पूछता है। लाइना मान जाती है। वह पिछले बातों को सोचने लगती है कि जब वह टावर में गई थी। फिर लाइना अपना सामान पैक करती है और जोन के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखती है कि मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी। इस सब प्लान एस्टर का था और इसके लिए उसने मुझे मोहरा बनाया था। मैं तुम्हें इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना लिखने के बाद लाइना लेटर को फाड़ डेच देती है। रात में जोन डिनर के लिए उसे वही जगह लेकर जाता है जहाँ उसने पहली बार मैडलिन को देखा था।
था। डिनर खत्म होने के बाद जोन उसे ड्रैप करने उसके रूम तक आता है और कहता है कि हमें फिर से मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। लाइना भी हाँ कर देती है और अब वे दोनों साथ गुजारने लगते हैं। लेकिन जोन अब भी उसमें मैडलीन को खोज रहा था। जोन उसे मैडलीन जैसा ड्रेस दिलाता है और कहता है कि अपने हेयर का कलर ग्रे करवा लो। लाइना कहती है कि क्या तुम इस तरह मुझसे प्यार करने लगोगे। इसके बाद लाइना तैयार होने लगती है और उसने वही लॉकेट पहना जो कार्लोटा ने पहन रखा था। जोन यह देखकर चौंक जाता है, वह लाइना को लेकर कार में जा रहा था। जोन उसी चर्च की तरफ जा रहा था। लाइना पूछती है कि हम कहां जा रहे हैं। जोन बताता है कि एक आखिरी काम खत्म करने जा रहे हैं। अब वह चर्च के पास पहुंच जाता है। जोन लाइना को फोर्स करता है कि वह सीढ़ियों पर चढ़ जाए। दोनों ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। जोन देखता है कि उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा था। तब जोन बताता है कि मुझे मैडलीन से प्यार हो गया था, पर लाइना कहती है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। अब जोन मान जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।